नमस्कार प्रणाम जय हो हिंदुस्तान हमें चोखा। हमारे साथ एक तो घटना हो गया बहुत अनोखा। एक दोस्त को बड़ी मुश्किल से बेड दिलाए, उसके बाद ऑक्सीजन दिलाए, उसके बाद वेंटिलेटर देके बचा भी लिए, तो साला आखिरी में हॉस्पिटल के छत से कूद गया। नहीं कोरोना नहीं हुआ था, राधे देख लिया था। और हमको दुख इस बात का नहीं है कि वो कूद गया, साला दुख इस बात का है कि कूदते कूदते हमको भी कहानी सुना गया। सुनते ही हमको बुखार छूट गया। पहुंचे डॉक्टर के पास तो बोला तुमको कहानी सुनाइए नहीं सकता है, झूठ बोल रहे हो। हम बोले क्यों? बोले उस पिक्चर में था ही नहीं। साला दूसरे डॉक्टर के पास गए हैं, वो बोला ब्लैक फंगस है, तीसरा बोला येल्लो है, चौथा बोला व्हाइट है, पांचवा वाला हमको हमारे ही फेफड़े में से फंगस के इंद्रधनुष का फोटो खींच के दिखा दिया। बताइए फंगस ना हुआ इंसान हो गया, दूसरे दिन में रंग बदल ले रहा है। अरे साला इतना कलर ऑप्शन तो बच्चा लोग के जेम्स कैंडी में नहीं है जितना फंगस में है। खैर हमको वहीं इलाज मिला जहां मिलना चाहिए था, बाबा रामदेव के पास। वो बोले बेटा एलोपैथी बेकार है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक है, खाली रोज 4 चम्मच अंबुजा सीमेंट खाओ और अंदर से स्ट्रांग हो जाओ, अब मामला एकदम ठीक है। बस कभी कभी काबुली चना खाते हैं तो अंदर सीमेंट पे गिर के आवाज करता है टक से, बस। आप लोग लगे रहिए वैक्सीन के पीछे, नहीं मिलने वाला है। हमको भी साला तभी अलर्ट देता था जब पेशाब करने जाते थे और आते ही वैक्सीन फुल। लेकिन हम दिमाग लगाए, एक दिन दूसरा वाला डोज दिखा रहा था, हम वही लेके पहले लगवा लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा धुंधला दिखता था। तो एक दिन लिफ्ट समझ के बुलडोजर में बैठ गए, वो हमको उछाल दिया। हम सोचे हम तो साला तीसरा माला पे रहते थे, इतना वक्त काहे लग रहा है। इतने में दो वायुसेना का जहाज हमको अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट समझ के शूट करने लगा। साला गोली से तो किस तरह बच गए, लेकिन जिस घर में गिरे वहां भी राधे ही चल रहा था।